जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कमल मसरूर। इट्स बीन लॉन्ग टाइम। आज ईद का दूसरा दिन है। सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। मैं आज थोड़ा सा कैजुअल हुलिये में हूँ क्योंकि मेरी बेटी का पेपर था, मैं उसको ड्रॉप करने आया था एग्जामिनेशन सेंटर में। और कल से मौसम बहुत अच्छा है इस्लामाबाद में। पूरी रात जो है वो यहाँ पे थंडर स्टॉर्म और बारिश होती रही है, तो आज सुबह से मौसम भी बड़ा जो है वो ज़बरदस्त है। तो वी आर ब्लेस्ड के यहाँ पे ज़रा टेम्परेचर जो है वो एज़ कम्पेयर टू कराची बहुत बहुत बेहतर है। तो ये सिलसिला मैंने वीडियोज़ का जो है वो तकरीबन 2-2.5 साल के मैंने बिल्कुल मुझे मौका ही नहीं मिलता था, बिकॉज़ मेरा सारा फोकस वाज बिल्डिंग टू बिल्डिंग दैट CXO ग्लोबल फोरम। और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ऐसे स्पैन पे आ गए जहाँ पे ये इदारा बहुत माशाल्लाह ग्रो कर चुका है। प्रीवियसली एक न्यूज़ मैंने किसी टीवी चैनल पे देखी थी, वो मुझे उसका बड़ा अफसोस हुआ, जहाँ पे उन्होंने स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी जो कि कैबिनेट डिवीज़न का एक इदारा है, अप्रूव्ड इदारा है, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ उसके बारे में। एक न्यूज़ उन्होंने डाली तो बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर ये देखे, हालांकि मैं ख़ुद इस चीज़ का गवाह हूँ, मैं काफ़ी टाइम से एफिलिएट रहा। ऑल्दो कॉर्पोरेट लॉन्च भी हमने जो है वो उसमें हमारी काफ़ी कंट्रीब्यूशन थी जब हमने NIC में उनका लॉन्च किया था, बट इसका तो हमें पता है, हम सबको पता है कि वहाँ कोई डिस्क्रिपेंसीज़ नहीं है और एक बड़ा नीट एंड क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट इदारा है। उस इदारे की वजह से हमारी एक पाकिस्तान की जो एक इमेज है वो एक बड़ी ग्लोबल लैंडस्केप के ऊपर जो है बड़ी पॉजिटिव जा भी रही है। और बहुत सारे टेक ग्लोबल जायंट्स जो कि किसी न किसी वजह से रिलक्टेंट रहे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में सिचुएशन हमेशा जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की या पॉलिटिकल वो बड़ी ऑड रही, तो इस वजह से इस तरह का इदारा बहुत ज़रूरी था, जिसकी वजह से हम ग्लोबल टेक जायंट्स को जो है वो पाकिस्तान में इन्वाइट कर सकें कि जी ये पाकिस्तान में टैलेंट पूल है। क्योंकि यूथ, अगेन हम हर बार ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो सबसे बड़ा पोटेंशियल यूथ है, बट उस यूथ के लिए हम लोगों ने कोई स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म हमने बिल्ड नहीं किए हुए। सो STCA पे मेरा एक फेथ है, एक ऐसा इदारा जिस पे हमारा एक फ्यूचर बेस करता है, पाकिस्तान का टेक फ्यूचर बेस करता है। और उसके लिए फिर इस तरह की बात करना, देखें एक तो ये पाकिस्तान हम सब लोगों का है, जो TV चैनल ये बात नशर भी कर रहा है तो उसको ये सोचना चाहिए कि इसका इफ़ेक्ट जो है वो बाहर लोगों को क्या जाएगा और इसका इफ़ेक्ट जो है पूरे पाकिस्तान पे जा रहा है। तो ये किसी एक इदारे का या किसी इंडिविजुअल्स का, ये पाकिस्तान नहीं, हम सब लोगों का है। तो आप सोच समझ के ज़रा ही करें कि इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या आ रहे हैं। फिर उसके अलावा मैं ये भी हमेशा ये कहता रहता हूँ कि जब भी कभी कोई गवर्नमेंट आती है तो वो पूरी अपनी जो है ना वो लीग जो है वो चेंज करती है, और वो क्या ज़रूरत है ग्रजेस लेके आप पूरा एक स्पैन अपनी एनर्जी अपने टाइम अपना ज़रा लगाएंगे कि जी ये मैंने इनको हटाना है, इन इदारों को मैंने बंद करना है। तो मेरे ख़्याल में हम एक कोई इतना इंटेलेक्ट माइंडसेट रखते हैं जहाँ पे हम उल्टा एक सपोर्टिव बिहेवियर करके तो देखें, और बड़ा ये हमें एक अच्छा लगेगा, एक पॉजिटिव जेस्चर दें और उन इदारों को जो कि एक 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 माइलस्टोन जो है वो तय कर रहे हैं टू गोइंग फॉर ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल सेक्टर की, जो उनको हम इन्वाइट कर रहे हैं, तो उसमें कंट्रीब्यूट करें, बजाय ये कि हम जो है वो ग्रजेस रख के अपने पॉलिटिकल ग्रजेस को जो है वो किसी न किसी तरह करें। तो मेरी दरख्वास्त है, एक तो ये बहुत अच्छा हुआ है कि उस इदारे ने उस चीज़ को कंडेम किया है, और बहुत अच्छी बात है। मैं हमने उनका कॉर्पोरेट लॉन्च भी किया था, तो मुझे इस चीज़ पे ख़ुद फेथ है कि वो कितना ट्रांसपेरेंट इदारा है, आमिर साहब कितने एक इंटेलेक्चुअल आदमी हैं जो कि इस इदारे को इतना नीट एंड क्लीन और प्रोसेसेस को बड़ा ओपन करके चलते हैं। तो मेरी हमें सबसे ये दरख्वास्त है कि यार जो अच्छा हो रहा है उसको माने कि वो अच्छा हो रहा है और उसमें कंट्रीब्यूट करें, इंस्टेड ऑफ़ के हम जो हैं वो अपने कोई भी पार्टी आती है, मैं किसी की भी बात नहीं कर रहा हूँ, तो हम इस चीज़ में अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट है उनको किस तरह जो है वो उनके लिए हर्डल्स खड़े किए जाएं, उनको जो है वो प्रॉब्लम्स किए जाएं। आई थिंक हमें अपनी पूरी एनर्जी इस वक्त जो है वो ग्रोथ की तरफ लगानी चाहिए। आई थिंक इट शुड बी अ पॉलिसी, और उस पॉलिसी को फॉलो करने के लिए कोई माइलस्टोन्स डिज़ाइन करने चाहिए, और उसको फॉलो करने के लिए हम सब को, क्योंकि पाकिस्तान किसी एक का नहीं है, हम सब का है, और खुदा नखास्ता इस तरह की कोई सिचुएशन जो काफ़ी टाइम से जैसे श्रीलंका में डेवलप हो चुकी है, तो खुदा नखास्ता, वैसे तो खैर
बहुत दूर दूर तक ऐसे कोई चांसेस नहीं है, बट हमें ये कर्जे की इकोनॉमी से निकल के हमें ग्रोथ इकोनॉमी की तरफ आना है, और उसमें हम सबको अपने अपनी जो कंट्रीब्यूशन है वो देनी है, बिकॉज़ ये जो पाकिस्तान है ये अपने हमने बच्चों को दे के जाना है, तो वो बच्चों को हमने कौन सा वाला पाकिस्तान देना है ये हमारे हम पे डिपेंड करता है। तो मैं सबको जो भी जो है वो पावर में आते हैं, जो भी जो है वो यू नो जिन जिन जगहों पे भी मेरा इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे आते हैं, सो उनको मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये पाकिस्तान हम सब लोगों का है और हमें जो है वो इसकी ग्रोथ पे जो है वो फोकस करना चाहिए, ना कि आपस में लड़ने झगड़ने में ब्लेम गेम्स के ऊपर। सो ये मेरा एक छोटा सा मैसेज था, ईद के दूसरे दिन पे ड्राइव थी तो मैंने कहा कोशिश करूँ कि एक छोटा सा मैसेज जो है वो रिकॉर्ड कर लूँ और आप सब लोगों को ईद मुबारक भी दूँ। बहुत बहुत ईद मुबारक, थैंक यू सो मच।